हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंडोज सर्वर 2012 में हम लोग आरडीएस सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अब हम लोग आरडीएस सर्वर की वीडियो को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आरडीएस सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे एप्लीकेशन पब्लिश करते हैं और क्लाइंट पर ब्राउज़र के थ्रू और रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू कैसे उन्हें प्रोवाइड करते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एक और ऑप्शन आरडीएस सर्वर में डिस्कस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं क्लाइंट मशीन पर चलता हूँ। ये देखिए, मैं एक क्लाइंट मशीन पर आ गया हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रीत यूजर के थ्रू एप्लीकेशंस एक्सेस करता हूँ। ये देखिए प्रीत यूजर, और कनेक्ट टू आर रिमोट पीसी पर क्लिक करता हूँ और यहां से सर्वर का रिमोट डेस्कटॉप कैप्चर करता हूं। कनेक्ट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद preet@malik.com और प्रीत यूजर का पासवर्ड, ओके पर क्लिक कीजिए। इसके बाद जस्ट यस पर क्लिक कीजिए और ये देखिए जरा, प्रीत यूजर के थ्रू हमने सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर लिया है। अब कुछ ऑप्शंस हम लोग और ज्यादा डिस्कस करते हैं, सर्वर पर चलते हैं। अब देखिए जरा, यहां पर एक कनेक्शंस टैब आता है। कनेक्शंस टैब के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि एट प्रेजेंट कितने सेशन एक्टिव है। अभी आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का सेशन एक्टिव है और एक अनदर मशीन पर प्रीत यूजर के थ्रू एक्टिव सेशन है, ठीक है। अब इसी के अंदर आप जस्ट इस एक्टिव सेशन पर राइट क्लिक कीजिए और देखिए यहां पर कुछ ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो इस एक्टिव सेशन को यहीं से ही डिस्कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। जस्ट डिस्कनेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेटर प्रीत यूजर को कोई भी मैसेज सेंड करना चाहता है तो सेंड मैसेज पर क्लिक कीजिए और यहां पर आप वो मैसेज टाइप कीजिए जो एडमिनिस्ट्रेटर प्रीत यूजर को सेंड करना चाहता है। जैसे कि गुड मॉर्निंग प्रीत, हाउ आर यू, जस्ट ये मैसेज सेंड करना चाहता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर प्रीत यूजर को मैसेज टाइप किया और सेंड पर क्लिक कर दीजिए। अब जरा चेक करते हैं क्या प्रीत यूजर को मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए जरा, मैंने प्रीत यूजर का वो क्लाइंट मशीन एक्सेस की और यहां पर देखिए जरा, मैसेज फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर किस डेट में, किस मंथ में, किस ईयर में और किस टाइम पर ये मैसेज सेंड हुआ है और मैसेज में डेटा क्या है, गुड मॉर्निंग प्रीत, हाउ आर यू, ठीक है। बट ध्यान रखना, प्रीत यूजर जो है इस मैसेज का रिवर्ट नहीं कर सकता है, यानी कि रिप्लाई नहीं कर सकता है। जस्ट ओके पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद कुछ और ऑप्शन डिस्कस करते हैं। अगेन एक्टिव सेशन पर राइट क्लिक कीजिए। यहां से हम लोग शेडो भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर चाहे तो हम लोग लॉग ऑफ भी कर सकते हैं इस एक्टिव सेशन को, ठीक है। तो ये कुछ यहां पर कनेक्शंस टैब में हमें कुछ एक्टिव सेशन के अंदर ऑप्शंस मिलते हैं। इसके बाद ये देखिए जरा, यहां पर हमने कुछ एप्लीकेशन जो है वो पब्लिश की हुई है। अगर आप किसी एप्लीकेशन को अनपब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टास्क पर क्लिक कीजिए और अनपब्लिश रिमोट ऐप प्रोग्राम्स पर क्लिक कीजिए, ठीक है। जब हमने पब्लिश की थी एप्लीकेशन तो हमने पब्लिश रिमोट ऐप प्रोग्राम पर क्लिक किया था, लेकिन अगर आप अनपब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अनपब्लिश रिमोट ऐप प्रोग्राम्स पर क्लिक कीजिए। देखिए, ये वो एप्लीकेशन है जो कि आरडी सर्वर के थ्रू पब्लिश की गई है। मान लीजिए मैं यहां पर कैलकुलेटर एप्लीकेशन को अनपब्लिश करना चाहता हूं और वर्ड पैड को, जिस भी एप्लीकेशन को आप अनपब्लिश करना चाहते हैं जस्ट उस पर आप चेक मार्क कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ये आपको यहां पर
जस्ट आपसे कंफर्म कर रहा है कि आप इनको अनपब्लिश करना चाहते हैं, और जस्ट अनपब्लिश पर चेक क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जरा अनपब्लिश हो रही है, थोड़ा वेट कीजिए इसके लिए। ये देखिए जरा अनपब्लिश हो गई है, क्लोज पर क्लिक कीजिए। और यहां पर भी देख सकते हैं कि अब वो एप्लीकेशन आपको डिस्प्ले नहीं हो रही है। चाहे तो आप क्लाइंट पर जाकर भी इसको कंफर्म कर सकते हैं। मैं यहां पर एक और सेशन जनरेट करता हूं सनी यूजर के थ्रू। जस्ट साइन इन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए जरा अब केवल हमारे पास में तीन ही एप्लीकेशन रह गई है। चाहे तो अब आप यहां देख सकते हैं यहां पर चार एप्लीकेशन है, लेकिन सनी यूजर को सिस्को पैकेट ट्रेसर की परमिशन हमने नहीं प्रोवाइड की हुई है, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर उसके लिए ब्लॉक किया था। इसको मैंने केवल पब्लिश जो किया था वो केवल प्रीत यूजर के लिए किया था। तो सनी यूजर के लिए अब केवल यही तीन एप्लीकेशंस अवेलेबल है जो आपको यहां पर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है डियर, तो इस तरह हम लोग आरडीएस सर्वर में किसी भी एप्लीकेशन को अनपब्लिश कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग कुछ और ऑप्शन डिस्कस करते हैं आरडीएस सर्वर पर ही। ये देखिए हम लोग आरडीएस सर्वर पर आ गए हैं। तो इसके बाद आप यहां पर प्रॉपर्टीज ऑप्शंस के अंदर टास्क पर क्लिक कीजिए और एडिट प्रॉपर्टीज पर क्लिक कीजिए। ये देखिए जरा कुछ ऑप्शंस यहां पर आपको अगेन डिस्प्ले हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको किस नेम से क्विक सेशन कलेक्शन डिस्प्ले होगा, यहां से आप क्विक सेशन कलेक्शन को आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद यूजर ग्रुप्स, देखिए यहां से हम लोग उस ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं जिस ग्रुप के यूजर आरडीएस सर्वर के थ्रू एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। चाहे तो देखिए जब भी हम लोग कोई भी डोमेन यूजर क्रिएट करते हैं तो वो डोमेन यूजर्स ग्रुप का मेंबर होता है। ठीक है, अगर हम लोग चाहें तो एक पर्टिकुलर ग्रुप को भी यहां पर डिफाइन कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं आरडीएस सर्वर के थ्रू ओनली एचआर ग्रुप के मेंबर ही एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके, इसके अलावा कोई अनदर ग्रुप के मेंबर एक्सेस ना कर सके। तो हम लोग यहां से भी उन ग्रुप को ऐड करा सकते हैं या रिमूव करा सकते हैं। तो जिन भी ग्रुप को हम लोग यहां पर ऐड करा देंगे केवल वही ग्रुप आरडीएस सर्वर के थ्रू रिमोट एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे या एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है टैब सेशन टैब, सबसे मस्त टैब। देखिए जरा ध्यान से देखिए जरा एंड अ डिस्कनेक्टेड सेशन। हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी आपका क्लाइंट सेशन जनरेट करता है और किसी भी रीजन से अगर वो सेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो क्लाइंट सर्वर की कनेक्टिविटी के रीजन से तो डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन एक्चुअल में वो सेशन डिस्कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, यहां पर आप देख भी सकते हैं नेवर ऑप्शन होता है। अब चाहे तो मैं यहां पर एक प्रैक्टिकली आपको डिस्प्ले भी करा सकता हूं। ये देखिए जरा यहां पर मैं प्रीत यूजर के थ्रू मैंने ये सेशन बनाया हुआ है, चाहे तो आप यहां पर देख भी सकते हैं। एक सेकंड, इसको मैं कैंसिल करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, थोड़ा वेट कीजिए। ये देखिए जरा प्रीत यूजर के थ्रू एक सेशन एक्टिव है, चलता हूं मैं उसी सेशन पर, ये सेशन है। ठीक है, और ये जो पेज है इसको मैं क्लोज नहीं करता हूं, जस्ट मैं ये इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूं। हो गया सेशन डिस्कनेक्ट, लेकिन अगर मैं दोबारा से सेशन कनेक्ट करता हूं ओके पर क्लिक करते हैं,
तो जिस पॉइंट से मैंने सेशन डिस्कनेक्ट किया था उसी सेशन से दो उसी पॉइंट से सेशन दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। चाहे तो यहां पर मैं आपको अभी डिस्प्ले भी करूंगा, जस्ट यस पर क्लिक कीजिए, ये देखिए जरा अभी भी सेशन बना हुआ है। जस्ट मैंने सेशन जो है डिस्कनेक्ट किया था, लेकिन एक्चुअल में सेशन जो है क्लाइंट और सर्वर का सेशन ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। यही मैं आपको डिस्प्ले कराना चाह रहा था। यहां पर दोबारा से चलते हैं सर्वर पर, टास्क पर क्लिक करते हैं, एडिट प्रॉपर्टीज और सेशन टैब पर क्लिक करते हैं, ये देखिए जरा। अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई भी यूजर सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट होने के कितने टाइम के बाद उसका सेशन जो है वो ऑटोमेटिक एंड हो जाए, तो मैं चाहता हूं यहां पर अगर कोई भी यूजर सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसका सेशन जो है आफ्टर 30 मिनट एंड हो जाए। तो यहां से हम लोग वो टाइम भी डिफाइन कर सकते हैं, इसके बाद दोबारा से सेशन बनाना पड़ेगा। इसके बाद एक्टिव सेशन लिमिट, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये जो प्रीत यूजर का सेशन है ये एक्टिव है। अब बाय डिफॉल्ट एक्टिव सेशन की कोई लिमिट नहीं होती है, 24x7 आवर्स आप सेशन एक्टिव रख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं एक्टिव सेशन मैक्सिमम 1 आवर तक रहे। जैसे ही एक्टिव सेशन का टाइम 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा ये सेशन जो है ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद आइडियल सेशन टाइम लिमिट, आइडियल सेशन टाइम लिमिट का मीनिंग है, देखिए जरा, जैसे कि प्रीत यूजर ने यहां पर एक सेशन एक्टिव किया हुआ है, यानी कि प्रीत यूजर ने सर्वर से एक सेशन क्रिएट किया हुआ है। अगर प्रीत यूजर, मैं चाहता हूं कि अगर प्रीत यूजर इस एक्टिव सेशन में 10 मिनट तक कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है, तो ये सेशन जो है ऑटोमेटिक ही डिस्कनेक्ट हो जाए, क्लियर है। एक्टिव सेशन में अगर कोई भी यूजर कोई भी इनपुट प्रोवाइड नहीं करता है तो सेशन ऑटोमेटिक ही डिस्कनेक्ट हो जाए। तो ये सेशन काफी अच्छे हैं और काफी टाइम पर हम लोग इसको यूज भी करते हैं, तो इसको ध्यान से परफॉर्म करना। इसके बाद आता है सिक्योरिटी टैब, सिक्योरिटी टैब के थ्रू भी हम लोग सिक्योरिटी वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब आता है लोड बैलेंसिंग, मैक्सिमम सेशन लिमिट क्या हो सकती है, अभी सर्वर के पास कितना मेमोरी अवेलेबल है, होस्ट सर्वर का नेम क्या है, यहां पर क्लाइंट सेटिंग कुछ डिफाइन की गई है, आप इनको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट आता है यूजर प्रोफाइल डिस्क, यहां से आप यूजर प्रोफाइल के लिए एक पाथ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थर्ड ईयर कंप्लीट हमारा एक सीरीज आरडीएस सर्वर, जिसके अंदर हम लोगों ने आरडीएस सर्वर के डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म किया, और आई थिंक आप लोगों ने काफी इंजॉय भी किया होगा आरडीएस सर्वर को। तो अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट ये होगा जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मेल के थ्रू आपके इनबॉक्स में डिस्प्ले होगी, या एक मेल रिसीव होगा जिस पर एक लिंक होगा जिस पर जस्ट क्लिक करके ही आप उस वीडियो को देख पाएंगे और इंजॉय कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।